कम बैक टू माई न्यू व्लॉग्स। तो मैं हूँ कपिल ओझा और आप लोग देख रहे हो कपिल ओझा व्लॉग्स। तो आज मेरा बिल्कुल भी प्लान नहीं था कि मैं व्लॉग्स वगैरह बनाऊंगा, लेकिन हमारे घर के पास में जो नित्य है, जिसको मैंने पिछले व्लॉग्स में बताया था, आज उसका बर्थडे, तो हम लोग बर्थडे में लेंगे काफ़ी मज़ा और दिखाता हूँ कि हम लोग यहाँ पर बर्थडे सेलिब्रेट कैसे करते हैं। और मैंने बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए यहाँ पर पूरी तैयारी कर ली है, जिसको मैं अपने बैक कैमरे से आपको सभी को दिखाने वाला हूँ। आया हूँ मैं नित्या का बर्थडे जो भी हम लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं, तो उसकी तैयारी करना है और यहाँ पर मैं ही कर रहा हूँ। फिलहाल करते हैं इस बर्थडे पार्टी तैयारी। फिर मेरे साथ में सूर्य प्रकाश, अंकित, पुष्पा और जो लाडू है हमारे यहाँ पर सबके नाम निकाले हुए, लाडू लोटा वगैरह सभी के। तो अभी पहले करता हूँ तैयारी, बाद में बनाते हैं ब्लॉग्स बर्थडे पार्टी का। चुके हैं बर्थडे घर पर, और ये नित्या की ड्रेस परी वाली और ये इसकी छड़ी। तो ये वाली ड्रेस है नित्या की परी की। इस तरीके से घर को सजाया है। ये हैप्पी बर्थडे और ये नित्या की छोटी टेबल, और अभी केक वगैरह आने वाला है और इसके अंदर हम लोगों ने डाली है नित्या के लिए छोटी टॉफी। बच्चे आएंगे तो काफ़ी खुश हो जाएंगे इनको देखकर। टेबल हो चुकी है रेडी बर्थडे के लिए और इसका केक वगैरह भी आ गया। तो भी हमारी बर्थडे गर्ल आ चुकी है। तो भी हमारी बर्थडे गर्ल काफी खुश है ड्रेस पहनकर। ऐसे ही तुम बुढ़े होते रहोगे, हमको उससे क्या मतलब बताओ जी। हैप्पी बर्थडे टू यू, हाँ जी। अब इस पे इतने खुश क्यों हो ऐ भाई, तुम तो बरसों पहले ही निकल चुके हो, तो बर्थडे वाला नाटक ये क्यों है भाई। कैंडल शैंडल भूख से बुझा के बर्थडे का ये ड्रेस होगी खराब, इसलिए उसके लिए एक न्यू ड्रेस और है, उसके पापा लेकर आए हैं, तो अभी पहनने वाली है वो। ये क्यों है भाई, कैंडल शैंडल भूख से बुझा के, बेसुरों की भीड़ फालतू में लगा के, बर्थडे वाला सॉन्ग जोर जोर से गवाते हो, हमसे ताली शाली का हजाम मत करवाते हो। ये सब नौटंकी फिर भी चलो झेल ले, केक शेक को स्टार्टर्स भर भर के आए प्लेट में, घर जाके फिर से डिनर न मंगाना हो, चूहे ना दौड़े पेट में रात के पौने दो। हैप्पी बर्थडे टू यू जी, समझ के इनवाइट भिजवाओ जी, अगर पेट पूजा का फुल इंतजाम है तो इनका कंसीडर करेंगे जी। हैप्पी बर्थडे टू यू कह दिया है जी, तुम और भी बुढ़े हो गए और तेरी दिल छोटा ना करो, उम्र का है क्या, बाल झड़ेंगे दांत गिरेंगे वैसे ही। देखो कोई पुराना गिफ्ट हम जो ढूंढ पाए, एक्सपेक्ट तभी करना हम कुछ हाथ में लेकर आए। यू आर ऑन माई फ्रेंड लिस्ट, ये नहीं मजाक है, हम टाइम निकाल के आ गए तो बड़ी बात है। वैसे सच बताओ तुम अब कितने साल के हुए, हमको क्या पड़ी है हम किसी को ना बताए। मुना बिगाड़ो आज तुम्हारा बर्थडे है, तुम अकेले हो नहीं यहाँ और भी बुढ़े है, सोच सोच के यार बीपी ना बढ़ाओ। हैप्पी बर्थडे चिल्ला कर गाओ, हैप्पी बर्थडे टू मी। अब पैसे वैसे खर्च हो और केक भी मंगवाए हो, तो पार्टी खत्म होने के बाद सर पटकना जी। हैप्पी बर्थडे टू दी। नेक्स्ट डे
वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग्स। तो मैं हूँ कपिल ओझा और आप लोग देख रहे हो कपिल ओझा ब्लॉग्स। तो अभी मैं जाने वाला हूँ महात्मा गांधी गवर्नमेंट स्कूल और वहाँ पर आने वाले हैं हमारे यहाँ के MLA और लाल नवल, जो कि यहाँ पर उन्होंने काफ़ी चीज़ें बनाई है छोटी खाटू के अंदर। उन्होंने यहाँ पर गवर्नमेंट हॉस्पिटल और दो स्कूल वगैरह बनाई है और अभी भी एक महात्मा गांधी न्यू इंग्लिश मीडियम स्कूल खुली है जिसका उद्घाटन वगैरह है और उसके अंदर कुछ काम वगैरह बाकी है। तो उनको देखने भी आए हैं क्या क्या चीज़ें बाकी है, तो वो अपने ओर से वो भी सारी चीज़ें बनाएंगे। तो उनके सम्मान के लिए यहाँ पर छोटा सा फंक्शन वगैरह रखा गया है। तो अभी फ़िलहाल मैं वहीं फंक्शन में जाने वाला हूँ और आप लोगों को दिखाता हूँ कि हमारे गाँव के लोग उनका स्वागत।
मैं पहुंच चुका अपने मोबाइल से कराने के लिए और यहाँ पर लगने वाला काफी टाइम। तो हमारा भी हुआ है स्वागत वीडियो कोर्स करने के बाद। खत्म हो गया पूरा फंक्शन और सभी अतिथि वगैरह चले गए हैं और सर देख रहे हैं पूरी व्यवस्था।